अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। व्हाट्सएप अगले साल की शुरुआत के साथ अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट करने वाली है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको अपना अकाउंट ही डिलीट करना होगा। एक बार पहले भी कंपनी फेसबुक के साथ व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा शेयर करने को लेकर विवादों में रही है और अब व्हाट्सएप के नए वर्जन का अपडेट आया है। दरअसल इस अपडेट में नई टर्म्स ऑफ सर्विस दी गई है जो 8 फरवरी 2021 से लागू होगी। व्हाट्सएप के दुनिया भर में 1.5 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं और सभी को अगर व्हाट्सएप यूज करना जारी रखना है तो कंपनी की इस नई टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करना होगा। व्हाट्सएप के टर्म्स ऑफ सर्विस में लिखा है कि ये पॉलिसी 8 जनवरी 2021 से लागू होगी। इस डेट के बाद यूजर्स को नए टर्म्स को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसी स्थिति में आप व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। WA Vita Info की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए अपडेट के साथ ही व्हाट्सएप में इन ऐप अनाउंसमेंट भेजने का भी फीचर ऐड किया गया है। यानी व्हाट्सएप को अगर किसी चीज के बारे में यूजर्स के लिए अनाउंसमेंट करना है तो ऐप में ही ये बातें बता दी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर इस इन ऐप अनाउंसमेंट फीचर के तहत कंपनी नए फीचर्स, पॉलिसीज में बदलाव, बग्स और दूसरी जानकारियां दे सकती है। WA Vita Info की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की इन्फॉर्मेशन यूजर्स को चैट में नहीं बल्कि एक बैनर के तौर पर दी जा सकती है। यहाँ टैप करके यूजर्स को एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर पूरी जानकारी दर्ज होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप अनाउंसमेंट का यूज कंपनी यूजर्स को नए टर्म्स ऑफ सर्विस भेजकर करेगी जिसे सभी को एक्सेप्ट करना होगा। WA Vita Info ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जहां ये देखा जा सकता है। फिलहाल कंपनी ने अपनी नई टर्म्स ऑफ सर्विस को पब्लिक के लिए जारी नहीं किया है इसलिए यहां कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये यूजर्स को मिल सकती है। व्हाट्सएप के इस टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट्स में कंपनी द्वारा यूजर्स के डेटा प्रोसेसिंग के बारे में लिखा है। यहाँ ये भी लिखा है कि किस तरह के बिजनेस फेसबुक होस्टेड सर्विस का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप चैट्स को मैनेज और स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले भी व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर काफी चर्चा में रहा है। उस वक्त कंपनी व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने की पॉलिसी लेकर आई थी और इस पर विवाद हुआ था। इन्हीं सब वजह से 2018 में व्हाट्सएप फाउंडर जेन कॉम ने अपना CEO पद भी छोड़ दिया था। व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर चाहते थे कि व्हाट्सएप को फेसबुक पूरी तरह से अलग रखे और पैसे कमाने के लिए यूजर्स का डेटा ना बेचा जाए और ना ही फेसबुक के साथ शेयर किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फेसबुक ने इसे अपने साथ पूरी तरह से मिला लिया और डेटा शेयरिंग पॉलिसी को लेकर आ गई। चूंकि अब दोनों फाउंडर कंपनी छोड़ चुके हैं इसलिए अब प्राइवेसी को लेकर उतनी बहस नहीं होती है और आने वाले समय में कंपनी व्हाट्सएप में भी क्रॉस प्लेटफॉर्म का फीचर ला सकती है।